दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी के टाइम सभी को 25 दिसंबर का यहाँ पे वेट है, क्योंकि 25 दिसंबर को दोस्तों कंपनी ओटीटी पब्लिक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमें पता है कि अभी के टाइम जो वोलेटिलिटी नजर आ रही है, इसके अंदर सभी लोग शांत बैठे हैं, सभी लोग एक ही चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई 25 दिसंबर को जो ओटीटी आएगी उसमें कंपनी सही पाई जाएगी या गलत पाई जाएगी, क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बड़ा रिस्क अपने सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर ऑडिट रिपोर्ट सही आती है तो दोस्तों यहाँ से एक बड़ा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऑडिट नेगेटिव निकली तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों की गिर सकता है। नेगेटिव का मतलब कि कंपनी के अकॉर्डिंग नेगेटिव, यहाँ पे मतलब कंपनी गलत निकलती है तो, एंड कंपनी सही निकलती है तो बड़ा धमाका होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। एंड इससे पहले देखिए Q2 की कंपनी ने रिजल्ट भी जाहिर नहीं किए, यहाँ पे बाहर नहीं आए। उससे पहले दोस्तों सर कि आपको पता है उस Q3 के रिजल्ट भी पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो रिजल्ट अपने लिए यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे। अगर क्वार्टर यहाँ पे ऑडिट सही निकली तो डेफिनेटली दोस्तों रिजल्ट तो अच्छे आए, Q3 का भी रिजल्ट अच्छा दिखेगा, Q2 का भी अच्छा दिखेगा, तो ये दो रिजल्ट का अपडेट, दो बड़ी खुशखबरी तो ये मिलेगी। एंड तीसरी बड़ी खुशखबरी मिलेगी दोस्तों ऑडिटरी का सही निकलना, तो यहाँ से दोस्तों आप मानेंगे मिनिमम टारगेट 200 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कंपनी सही निकली तो। अगर कंपनी गलत निकली तो फिर तो यहाँ पे चीजें खराब हो जाएगी। जैसा ये टाइम डाटा क्या करा वो हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों आज हो चुकी है कितनी, 22 दिसंबर आज हो चुका है, 22 या 23 हो चुका है, ठीक है ना। आज 23 सॉरी आज 22 दिसंबर यहाँ पे हो चुका है। एंड 22 से दोस्तों कितना दिन बाकी है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को यहाँ पे कई सारी चीजों का खुलासा हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। डेडलाइन यहाँ पे नजदीक आ रही है किसकी, सेबी की। जैसा कि यहाँ पे ऑडिटरी का जो जांच यहाँ पे बैठाई गई है वो अब लास्ट यहाँ पे आने वाली है। एंड उससे पहले डाटा देखें तो आज अगर आप देखोगे 72 लाख यहाँ पे वॉल्यूम हमें आते हुए देखने को मिली। एंड बाहर अभी के टाइम 84 लाख है, सेलर आपको देखने को मिल रहे कम से कम यहाँ पे 19 लाख, ठीक है ना। उसमें दोस्तों 85 लाख सेलर है एंड यहाँ पे 19 लाख आपको बायर देखने को मिल रहे हैं। जो करंट पीए स्टॉक का वो यहाँ पे 3 से भी नीचे हमें नजर आ रहा है। एंड देखो वैल्यूएशन से तो बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड जो डिलीवरी है वो भी के टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है, रिटेलर्स बाई कर रहे हैं, बड़े प्लेयर अभी के टाइम हाथ नहीं लगा रहे हैं। बड़े प्लेयर को पता है कि यहाँ से चीजें नेगेटिव हो गई तो फिर अपने को यहाँ पे एक हेवी लॉस देखना पड़ सकता है। एंड यहाँ से दोस्तों सावधानी हो रो काम करना, क्योंकि रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है। एंड रिस्क थोड़ा मोड़ा नहीं है, रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर चीजें सही है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर चीजें नेगेटिव हो गई, चीजें गलत निकली यहाँ पे, तो फिर ये स्टॉक आपको 2 रुपए 3 रुपए में भी मिलने के लिए तैयार यहाँ पे हो जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एंड यहाँ से भी के टाइम डाटा क्या कह रहा है, डाटा आपने देखा डिलीवरी स्टॉक के पॉजिटिव, तो ये भी एक अच्छा संकेत हमें मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसी के साथ देखो मार्केट आज पॉजिटिव है। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे है कि देखो दो ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, या तो ऑडिटरी सही निकलती तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता, अगर ऑडिटरी नेगेटिव निकलती तो यहाँ से धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता। अगर यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या हुआ तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, जो कि अभी के टाइम में कंसोलिडेट कर रहा है, जो हमें बीच के टाइम यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों मैंने एक चीज आपको पहले भी कई बार समझाई है कि ऑपरेटर का स्टॉक है ये, ऑपरेटर यहाँ पे हमेशा एक्टिविटी हमें करते हुए देखने को मिले हैं। ऑपरेटर ने बहुत सारा पैसा इस स्टॉक में छापा है एंड यहाँ पे टोटली जो लॉस रिटेलर्स का करवाया है, तो ये चीज आपको भी पता है। एंड सबसे बड़ी चीज स्टॉक के फंडामेंटल, फंडामेंटल में हम शक कर ही नहीं सकते, शक इस प्रकार का नहीं कर सकते कि गलत है, फंडामेंटल सही है, फंडामेंटल एकदम स्ट्रॉन्ग है, बट इसको शक इस पे से भी हो सके इस पे कि इतना प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर दे करके दे सकती। एंड जिस हिसाब से कंपनी का पीई है तो यहाँ से कंपनी की हाई वैल्यूएशन हमें देखने को मिल, तो अगर चीजें सही निकलती तो डेफिनेटली जो स्टॉक रियल वैल्यू उसको ये यहाँ से डेफिनेटली अचीव करेगा। एंड यहाँ से दोस्तों पहले ऑडिटरी को क्लियर होने दीजिए, उसके बाद आप कुछ एक्शन यहाँ पे लेना। अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो ऑडिटरी को आने दीजिए, उसके बाद अगर ऑर्डर लगा देना, अगर मिलता तो ठीक है वरना ऊपर रेंज में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें नहीं होगी। तो अभी के टाइम दोस्तों यही चीजें हमें नजर आ रही है। एंड मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 25 को यहाँ पे चीजें होगी, तो 25 को तैयार रहना, देखते हैं क्या यहाँ पे चीजें निकल के आती है, डेडलाइन आगे बढ़ती है, इसी डेडलाइन पे यहाँ पे सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट्स आपको मिलते हैं।